सिजेरियन डिलीवरी के बाद टाकों में गांठ होना, टाकों में हार्डनेस होना, और हार्ड होने के बाद ऐसा महसूस होना जैसे उसके ऊपर छाले जैसे ही ऐसे एकदम टाइटनेस हो गई है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, किस वजह से ये होता है, कितने दिन में इसको ठीक किया जा सकता है और किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको आज के अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जब भी कोई भी डिलीवरी होती है उसके बाद जहाँ पे हमारे स्कार्स होते हैं पेट के नीचे एब्डोमेन पे, वहां पे आपने देखा होगा कि डिलीवरी के कुछ टाइम के बाद एकदम जो स्टिचेस हैं वो एकदम टाइट पड़ जाते हैं, वहां की स्किन ऐसी हो जाती है जैसे उसमें गांठें बन गई हो। कुछ लोगों को वहां पे रेडनेस का प्रॉब्लम होता है, एकदम टाइट वहां की स्किन हो जाती है। इवन स्कार्स के अलावा स्कार्स के आसपास की जो स्किन होती है वो भी काफी टाइट हो जाती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये हर किसी के साथ में नहीं होती। लेकिन कारण जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि टांकों में थोड़ी सी हार्डनेस होना या उसके ऊपर छोटी छोटी सी आपको सिस्ट महसूस होना, छाले से महसूस होना या उसमें रेडनेस महसूस होना या टांकों के ऊपर ऐसे कालापन होना, ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये होता क्यों है। कई बार क्या होता है कि सपोज कि दो लोगों का एक साथ में सीजर हुआ, एक को ही प्रॉब्लम हो रही है और दूसरे को नहीं हो रही है, या एक को अलग तरह की प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे को अलग तरह की प्रॉब्लम हो रही है। उसका जो कारण होता है वो होता है कि देखिए, हर किसी की जो स्किन होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। कुछ लोग की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, कुछ लोगों की कम सेंसिटिव होती है। तो जिन लोगों की स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है या जिस टाइप का आपका स्किन का टेक्सचर होता है उसके हिसाब से अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। इसके अलावा आपके सीजर में किस तरीके का मटेरियल यूज किया गया है, किस टेक्निक से उसमें टाके लिए गए हैं, ये सारी चीजें भी आपके जो स्कार्स हैं उसमें जो प्रॉब्लम है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत दर्द महसूस होता है या सिंपल हार्डनेस है लेकिन कोई दर्द नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर दर्द इतना ज्यादा है कि आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, कपड़े पहनने में दिक्कत हो रही है, उठने बैठने में आपको प्रॉब्लम हो रही है और ये दर्द आपका लगातार इंक्रीज हो रहा है, तब आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। अब देखिए, आप घर पे इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहली चीज तो इन टाकों को ठीक होने में कम से कम एक साल तक का टाइम बिल्कुल आराम से लग जाता है, बल्कि कई बार इससे ज्यादा वक्त भी लग जाता है। तो पहली बात, आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। अगर आपको टाकों में दर्द है, चाहे ज्यादा है या फिर कम है, आपको बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस या बहुत टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, वरना आपको ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, कभी भी बहुत ज्यादा वजन ना उठाएं। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों का सी सेक्शन डिलीवरी होती है वो जब भी ज्यादा वजन उठाते हैं उनको टांकों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। टांकों में दर्द हो सकता है, टांकों में फूलने की प्रॉब्लम आ सकती है, ये छाले से पड़ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, ये दिक्कत अक्सर देखी जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा वॉक करते हैं या बहुत हाई इंटेंसिटी वाला कोई एक्सरसाइज करते हैं, फिर आप कोई भारी वजन उठाते हैं, तो इन सारी चीजों को आप अवॉइड कीजिए। और इसके अलावा आप घर पे मसाज टेक्निक का इस्तेमाल करके भी अपने स्कार्स को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। इनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है कि आपको किसी भी ऑयल से, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, इनसे अपने टाकों पे अपने फिंगर से आपको हल्के हल्के मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होता है, जहाँ पे आपके स्कार्स होते हैं वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जब वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो उससे जो आपके टाकों में टाइटनेस है, ये जो छोटी छोटी आपको गांठें सी आपको दिखाई दे रही है, ये धीरे धीरे आपके ब्लड में डिजोल्व हो जाती है और आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज मसाज की तो आज ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। महीना दो महीना आप इसको कीजिए, इवन आप रेगुलर ये कीजिए, एक दिन में आप दो बार भी कर सकते हैं। एक बार आप सुबह को 10 मिनट मसाज कीजिए और फिर शाम को 10 मिनट मसाज कीजिए, और इसको अपने एक रूटीन में ले आइए। जब आप डेली मसाज करेंगे तो आपके टाके भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और जो आपके ब्लैक स्कार्स पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके स्कार्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे, एकदम दिखने बंद हो जाएंगे, तो इसके चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं होता है, एक बार जहां आपके स्कार्स आ जाते हैं वहां पे थोड़ा बहुत उसका निशान आपको हमेशा के लिए वो रह जाता है, लेकिन आपकी जो अदर प्रॉब्लम्स है वो आपकी धीरे धीरे कम हो जाती हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।